बारिश से किसानों की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। किसानों को मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने जिलाधिकारी की ओर की। बारिश के कारण किसानों के हुए फसलों की नुकसान भरपाई के तौर पर सरकार ने 3 हेक्टेयर तक जाहिर की सहायता न देने संदर्भ में, साथ ही सरकार ने किसानों को घोषित की बारिश के तहत हुए नुकसान संदर्भ में सहायता। बैंक ऑफ इंडिया हिंगन घाट और अन्य शाखा ने फसल कर्ज के लोन में कटौती करने संबंध पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने तहसील कार्यालय पर किसानों का मोर्चा ले जाकर जिलाधिकारी इन्हें उप विभागीय अधिकारी द्वारा निवेदन दिया। इस समय किसानों ने अपना रोष व्यक्त किया। खरीफ के सीजन में जुलाई माह के शुरुआत से तो अक्टूबर माह के अंत तक निरंतर बरसात के कारण किसानों की खेत की फसल जल गई। बारिश के कारण नदी नाले से पानी खेत में जमा होने से खेती फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे किसान फिर संकट में आया है। सरकार ने किसानों के हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेकर 3 हेक्टेयर तक सहायता जाहिर की, लेकिन बेड़ा यहां के पटवारी कपूर ने किसानों के खाते पर 3 हेक्टेयर तक सहायता नहीं दिखाई, जिससे झिंकी और 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 29 एकड़ जमीन बारिश के कारण फसल नष्ट हुई। उन्हें 1 हेक्टेयर तक 13,000 रुपए की सरकार की ओर से सहायता जमा हुई, तो कुछ लोगों के खाते में केवल 8,160 रुपए ही जमा हुए। इस तरह से बेड़ा यहाँ के पटवारी कपूर ने किसानों को सरकार की सहायता से वंचित रखा है। तभी जल्द सर्वे कर किसानों को घोषित की गई सरकार की हक की सहायता दी जाए। साथ ही संबंधित पटवारी ने सरकारी काम में अनदेखी करने पर उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया हिंगन घाट शाखा ने काजल सरा के किसान चोखाराम डफ और अन्य किसानों की सहायता फसल कर्ज में कटौती कर सरकार के नियमों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। संबंधितों पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने निवेदन द्वारा की है। इस समय नुकसानग्रस्त किसान गुणवंत कामड़ी, सतीश सायंकार, सुखाराम डफ, वामन बरघने आदि किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जे अतिवृष्टी झाली त्याची सरकारनं हेक्टरी 3,000 3 हेक्टरपर्यंत मदत सरकारने जाहीर केली, की ज्या शेतकऱ्याकडे 10 एकर, 15 एकर, 20 एकर, 25 एकर जमीन आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांना 3 हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात यावी। परंतु वेळा येथील जो पटवारी आहे कपूर यांनी फक्त 1 हेक्टरपर्यंत लोकांना मदत जाहीर केली। काही लोकांना 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 अशा प्रकारची मदत जाहीर करून सरकारची लखतरे वेशीवर टांगलेली आहे। अशा माणसावर कारवाई झाली पाहिजे। जे बेजबाबदारपणे काम करत असेल त्यांना सस्पेंड करून घरी पाठवलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे ही जी राशी जमा झाली तर बँक ऑफ इंडिया हिंगणघाट आणि इतर शाखेने ते पैसे पीक कर्जामध्ये कापून टाकले। अशा प्रकारची शेतकऱ्याची अवहेलना चालू आहे। ही मदत पीक कर्जामध्ये कापता येत नाही, त्या बँकेवरसुद्धा कारवाई झाली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे। म्हणून आम्ही आज आलेलो आहोत। शेतकऱ्यांना जी मदत मिळालेली आहे सरकारची, ती पूर्णपणे 3 हेक्टरपर्यंत मदत मिळाली पाहिजे। हेक्टरी 13,800 प्रमाणे 3 हेक्टरपर्यंत मदत मिळाली पाहिजे।